मिस्त्री जी लगे हुए यहाँ पे कमान फेटक करते हुए। मिस्त्री जी क्या हुआ गाड़ी में, क्या चल रहा है आजकल? ये जो है सेंटर बोल्ट तोड़ रही थी। अच्छा, सेंटर बोल्ट तोड़ रही थी, किसके कारण सेंटर बोल्ट की क्या कमी निकली मिस्त्री भाई? कमी? हाँ जी, कमी तो ये निकली है कि ये टायर दबा रही थी। अच्छा, गाड़ी टायर दबा रही थी, समस्या काफी बड़ी है टायर की, क्योंकि आजकल टायर काफी महंगे गाड़ियों के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदेव सिंह। तो आज हम भाई की गाड़ी की बताएंगे टायरों की जो समस्या होती है, क्योंकि आजकल जो नए टायर है काफी महंगे आ रहे हैं। तो मिस्त्री जी कमान वाले हैं, काफी बढ़िया कमानियों का यहाँ पे तसल्ली बख्श काम हुआ है। तो मिस्त्री जी नमस्कार जी, क्या हाल चाल है जी? क्या नाम है जी? मोहम्मद साजिद। अच्छा जी, तो क्या समस्या आ गई? से ट्रक में 6 चक्का ट्रक है, क्या ओवरलोड चलता है या अंडरलोड चलता है? अंडरलोड के लिए ओवरलोड चलाते हैं इसमें। अच्छा, कारण टायर दबाना शुरू करती है। अच्छा, गाड़ी टायर दबाना शुरू कर गया, तो क्या मेन समस्या टायर दबाने क्या निकलती है? सेंटर बोल्ट टूट गया है, विंग हो गया। अच्छा, ये इसको सेंटर बोल्ट बोलते है ना? हाँ जी। तो ये पिन्ने वगैरह सब नई डाल दी, सोने जैसी बुश वगैरह सब नए डाल दिए। कितने साल के बाद ये खर्चा आ जाता है गाड़ी के लिए? साल के बाद एक साल के बाद ये काम कराना पड़ेगा, नहीं पछताना पड़ जाए। अगर एक सूत का भी इसमें फर्क पड़ जाए तो भी टायर खाएगी गाड़ी? टायर खाएगी। अच्छा, तो एक सूत का काफी जो महत्व निकल जाता है सर, तो इसमें कितना खर्चा आ जाता है ये काम एक साल के बाद कराते जब? एक साल के बाद कराते हैं तो कम खर्चा आता है, ये आता है कम से कम 2000 रुपये का, 2500 का इतना खर्चा। अच्छा जी, सारी कमानियों के पूछ चुका है, यानी कि 2000 रुपये लग जाता है ना? तो 2000 रुपये यानी कि 50000 की जोड़ी टायरों को बचा देगा। हाँ जी, तो सर और भी कोई समस्या परेशानी हो जाती गाड़ी में? मान लो टायर हवा कम चलती है ना। हाँ जी, टायर में। हाँ जी, टायर गलत दबाती है गाड़ी। अच्छा, मान लो सर अंदरली साइड से जो कनारी उठा रही गाड़ी, मान लो उसमें क्या समस्या निकलती है? इसकी होती है कौन, जो कौन घूम जाती है ना बेरिंग वाली। हाँ जी, वो समस्या होती है। अच्छा, कौन घूम जाए तब भी जो कनारी उठाएगी, है ना? तो अपनी गाड़ी एक है उसमें ऐसे ही समस्या है, अंदरली साइड से वो खा रही है। उसका एक बार रिम चेक कराओ। अच्छा, एक सेंटर बोल्ट भी शायद टेढ़े चेक कराओ। हाँ जी, चेक कराओ और टायर हवा चेक कराओ। अच्छा, तो ये मिस्त्री भाई जी लगे हुए हैं यहाँ पे। मिस्त्री जी क्या हाल चाल है जी? ठीक है। तो आप किस चीज का काम करते हैं जी? गड्डियां का काम करते हैं, मिस्त्री का। अच्छा, मिस्त्री का ही काम करते हैं। तो इंजन मिस्त्री या फिर कमान के मिस्त्री? इंजन मिस्त्री। क्या क्या समस्या आती है सर? ट्रक में कोई फंसा हुआ ट्रक है तो बताइए हमारे को। अच्छा, इसकी प्रेशर किट डाल रहे है ना? तो भाई प्रेशर किट डाल रहे है, यानी के जो प्रेशर का काम है ट्रकों में, जो प्रेशर के काम होते हैं, मान लो सबसे ज्यादा काम वही निकलते हैं। मान लो कहीं हवा लीक हो गई, कहीं कोई कुप्पे में प्रॉब्लम आ गई, तो प्रेशर के ज्यादा जो सिस्टम है वो एयर प्रेशर, जो आजकल गाड़ियां हैं नई, जितनी पहले ऑयल प्रेशर वाली होती थी गाड़ियां, ब्रेक फेल हो जाती थी, लेकिन एयर प्रेशर वाली गाड़ियां हैं ये। तो ये चल रहा है यहाँ पे जो काम, लेलैंड गाड़ी है, लेलैंड गाड़ी के भाई मालिक जी भी यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करके बैठे हुए हैं। तो ये शोका लेन 16-13 जो गाड़ी है, तो इसका काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये काम अगर नहीं कराते तो काफ़ी पछताना भी पड़ता है आपको। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।